नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। पूरी दुनिया में एक तरफ कोविड 19 से मौत की चर्चा हो रही है और दुनिया सोच रही है कि कैसे कोविड 19 पर जीत हासिल की जाए। इसी बीच दुनिया भर के लोगों की निगाह उत्तरी कोरिया के तानाशाह की तरफ अचानक चली गई और अफवाहों का बाजार गर्म हो गया कि अपनी दादा की बरसी में किम जोंग शामिल नहीं हुए और लगता है कि किम जोंग की मौत हो गई। फिर क्या था, उत्तर कोरिया से लेकर दक्षिण कोरिया तक और चीन से लेकर अमेरिका तक हलचल मच गई। अब आगे क्या, इसी बात को लेकर चीन और अमेरिका आमने सामने आ गए कि अब उत्तर कोरिया में क्या होगा। इसी बीच सारी अफवाहों को विराम लगाते हुए खुद तानाशाह सामने आए हैं और दुनिया को सन कर दिया और मौत पर हो रही सारी चर्चाओं पर विराम लगा दिया है। शुक्रवार को मजदूर दिवस पर तानाशाह किम जोंग उन एक फर्टिलाइजर की फैक्ट्री के उद्घाटन कार्यक्रम में दिखाई दिए। ये फैक्ट्री उत्तर कोरिया के दक्षिण पूर्वी कस्बे सुनचियान में स्थित है। इस दौरान किम जोंग उनकी बहन किम यो जोंग भी साय की तरह उनके साथ मौजूद रही। उत्तर कोरिया की सरकारी समाचार एजेंसी KCNA की ओर से जारी तस्वीरों में तानाशाह किम जोंग उन को फैक्ट्री के अंदर रिबन काटते हुए और उसका निरीक्षण करते हुए दिखाया गया है। KCNA ने कहा कि इस दौरान वहां मौजूद हजारों लोगों ने अपने नेता का जोरदार स्वागत किया। हालांकि तानाशाह के बाहर आने की तस्वीरों की सत्यता की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो पाई। यहां पर एक बात बताते चले कि तानाशाह किम जोंग उन के स्वास्थ्य को लेकर पिछले 20 दिनों से अफवाहों का बाजार गर्म था। जापान और हांगकांग से आई कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया था कि हार्ट सर्जरी के बाद किम जोंग उन की मौत हो गई। हालांकि दक्षिण कोरिया ने बाद में कहा था कि किम जोंग उन जिंदा है। किम जोंग के स्वास्थ्य को लेकर रहस्य बना हुआ था।